हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पाइसी आलू सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एकदम बन भी जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, खासकर शाम की चाय के साथ। तो जब भी आप शाम की चाय पिए तो ये स्पाइसी आलू सैंडविच ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आलू भरता तैयार कर लेते हैं सैंडविच के लिए। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को 4 से 5 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च को भी हम 4 से 5 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर पिंक होने तक सौटे करेंगे ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को मीडियम फ्लेम पर करके ही आप प्याज को सॉटे कीजिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड आलू मैश किए हुए, और इसी के साथ हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले लेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून लेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा और मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। सिर्फ ये 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। देखिए हमारा आलू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाला अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तब हम इसे ठंडा होने तक इसका वेट करते हैं। देखिए आलू भी ठंडे हो चुके हैं। देखिए फिर हमें चाहिए एक ब्रेड, टमाटो सॉस और सैंडविच फ्राई करने के लिए बटर। सबसे पहले हम ब्रेड पर टमाटो सॉस लगाएंगे। फिर पूरे ब्रेड पर हम आलू को अच्छे से कवर कर देंगे। दूसरे ब्रेड पर भी हम टमाटो सॉस लगाएंगे। चारों तरफ पूरे ब्रेड पर अच्छे से लगा लेंगे। देखिए सॉस भी अच्छे से लग चुकी है, तब हम इसे कवर कर देंगे। देखिए एक सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है। बाकी के सैंडविच भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम पैन में बटर लगाएंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर बटर के ऊपर ही हम अपना सैंडविच भी रख देंगे। 30 से 40 सेकंड में ही ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब हम इसे दूसरी साइड से भी वैसे ही फ्राई कर लेंगे। सैंडविच की दूसरी साइड पर भी हम बटर को अच्छे से लगा देंगे। साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है, तब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और बाकी के सैंडविच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारे यम्मी सैंडविच बिल्कुल रेडी है। बाकी के सैंडविच भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। देखिए सारे सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। है ना बिल्कुल यम्मी से सैंडविच, तो आप इन सैंडविच को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत इजी है। आप बच्चों को भी इन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हैं। शाम के नाश्ते में भी ये बहुत टेस्टी लगता है, और चाहे गेस्ट के सामने रखें ये हर तरह से ही बहुत टेस्टी लगते हैं और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।